गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम विनसेलिन ग्लाइकोल समीपवर्ती ग्लाइकोल की केमिकल रिएक्शन पर आगे बात करते हैं। तो लास्ट पार्ट में अपन ने तीन केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, जिनमें अपन लोगों ने सोडियम से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराई थी। तो आज जो हम करेंगे वो नेक्स्ट आता है कि रिएक्शन विद एसिड अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है, ये ग्लाइकोल क्या है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या है कि क्या बनाता है कि अभिक्रिया दो पदों में होती है और डाइएस्टर या डाई लवण बनाता है। डाइएस्टर डाइएस्टर या डाई लवण साल्ट्स बनाता है, ठीक है। अब जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है कि टू स्टेप्स में होती है, दो पदों में होती है। और इसमें क्या है कि पहले मोनोएस्टर बनते हैं और फिर डाइएस्टर बनते हैं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के साथ, इसमें भी क्या है कि एसिटिक अम्ल के साथ है रिएक्शन पढ़ेंगे अपने, नाइट्रिक अम्ल के साथ पढ़ेंगे और टर्थेलिक अम्ल के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसमें, जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि रिएक्शन विद एसिटिक एसिड्स, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है इसमें, मोनो या सॉरी यानी वे मोनो वे डाई एसिटेट, एसिटेट बनता है। रिएक्शन बताइए अपना, तो रिएक्शन क्या होगी इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल OH OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड। तो क्या होगा कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर होगा तो क्या बनेगा, H2O बाहर, और क्या बन जाएगा इसका, मोनो एसिटेट बन जाएगा, CH2O CO CH3 CH2OH, ठीक है। ये क्या बन गया है, ग्लाइकोल मोनो एसिटेट, ठीक है। ग्लाइकोल मोनो एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है कि जो एसिटिक अम्ल है इसका क्या ले रहे हैं, वन मोल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर इसके क्या है कि टू मोल यूज किए जाएं, क्या किए जाएं, टू मोल यूज किए जाएं, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल डाई एसिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसकी सेकंड रिएक्शन अपने टू मोल्स के साथ कराते हैं, प्लस क्या लेंगे, CH3COOH के क्या लेने, टू मोलिक्यूल्स लेने, टू मोल क्या ले ली यहाँ पर, टू मोल ली अपन ने, तो टू मोल लेंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, माइनस टू एच टू ओ, टू मोलिक्यूल यहाँ पर है, वाटर मोलिक्यूल आउट होंगे और क्या बनेगा, ग्लाइकोल डाई एसिटेट CH2
ग्लाइकोल डाई एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन किसके साथ थी, एसिटिक एसिड के साथ। अब इसी तरह से क्या है कि जब HNO3 के साथ कराएंगे तो HNO3 के साथ कराने पर क्या होगा, ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनेगा, जो एक क्या है कि विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है ना, सेकंड एसिड कौन सा दे रहे हैं, रिएक्शन विद HNO3, ठीक है, एसिटिक सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट और जो क्या है विस्फोटक है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसमें जो अभिक्रिया होगी वो H2SO4 की कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और इसमें से क्या है, इसका भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, प्लस HNO3। प्रेजेंस किसकी है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट। प्लस 2H2O, ये कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है, थर्ड जो रिएक्शन आती है एसिड में ही, तो वह आती है टर्थेलिक एसिड के साथ। तो टर्थेलिक एसिड से अपन जानते हैं कि इसमें क्या है कि इसका कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन से क्या बनेगा कि एक टेरिलीन बनेगा, जो एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर कंपाउंड्स है, जो अपने बहुलक बोलते हैं पॉलीमर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका संघनन बोले तो कंडेंसेशन कराएंगे, और कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, टेरिलीन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से क्या है कि अगर क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, डेक्रोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए आप इसकी रिएक्शन देखिए, पहले तो क्या है, नाम लिखते हैं अपन, रिएक्शन विद टर्थेलिक अम्ल। ठीक है, टर्थेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या है, बहुलीकरण, ठीक है, पॉलीमर्स पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, बहुलीकरण द्वारा क्या होगा, टेरिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसके साथ रिएक्शन अपन बताएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी कि एथिलीन ग्लाइकोल ये तो एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, और टर्थेलिक एसिड क्या होगा, बेंजीन रिंग, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, COOH।
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा माइनस H2O, और क्या बन जाएगा, ओ CH2 ओ, फिर यहाँ से OH गया तो फिर क्या जाएगा, ओ दोबारा से या CO, और बेंजीन रिंग क्या बन जाएगा, सी ओ, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी फ्री और इधर इसकी वैलेंसी फ्री, ये क्या है, एन लगाएंगे तो इनके भी क्या लेंगे, एन मॉलिक्यूल्स आप यूज करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होगा, एन मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकले, ठीक है, जो क्या है टेरिली, ठीक है, टेरिलीन है। इसी तरह से क्या है कि इसी तरह से यदि क्या लिया जाए कि टर्थैलिक अम्ल के स्थान पर टर्थैलिक अम्ल के स्थान पर क्या लिया जाए, डाईएस्टर, डाईएस्टर मेथिल टर्थैलेट, ठीक है, ये लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो संघनन मीन कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन बहुलीकरण क्रिया, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, बहुलीकरण क्रिया द्वारा क्या बनेगा, डेक्रोन, जिसे अपन क्या कह लेते हैं, पॉलिस्टर रेसे का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन अब किस तरह से है कि अपन क्या लेते हैं, डाईएस्टर मेथिल टर्थैलेट लेते हैं, तो इसमें आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और इसके साथ क्या ऐड होगा, COO CH3 या CH3, ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा, यहाँ सी है, इधर लिख रहा हूँ बेटे मैं, COO CH3, ठीक है, और ऐसे ही इधर COO CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसमें भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि कैटलाइस्ट के रूप में किसका यूज होगा, एसिड, ठीक है, किसका यूज होगा, एसिड या बेस, अम्लीय क्षार उत्प्रेरक की प्रेजेंस रहेगी, और यहाँ से क्या होगा, मेथेनॉल बाहर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मेथेनॉल बाहर होगा तो क्या बन जाएगा अपना, सी ओ डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग
फिर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये तो इसमें से सी एस थ्री यानी कि दोनों साइड से मैथिल ग्रुप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से क्या है कि क्या निकलेगा, ओ एच ये बाहर जाएगा, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, अब इसमें सी एच टू ठीक है, और फिर से क्या जाएगा टर्थैलेट यानी कि टर्थैलिक अम्ल का ये आ जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बन गया डेक्रोन, डेक्रोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें से बाहर क्या हो रहा है सी एस थ्री ओ एच, ठीक है। तो ये सबके एन मॉलिक्यूल रहेंगे क्योंकि पॉलीमर हैं, ये बहुलीकरण करा रहे हैं, तो इनके सबके क्या लगाएंगे एन, ठीक है। ये इसकी अभिक्रिया होगी। अब इसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन, क्या आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण पर बात करें तो इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो ऑक्सीकरण की प्रकृति के आधार पर बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो उत्पाद बनेंगे, उत्पाद ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार बनते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन कराएंगे तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ठीक है। इनमें क्या है कि दो ऑयल को ओ एस समूह है, तो उनका ऑक्सीकरण क्या है कि एल्डिहाइड, और फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा कीटोन, ठीक है। क्या होगा कि जो एथिलीन ग्लाइकोल कॉल्स में दो ओ एच ग्रुप है, क्या है में दो ओ एच ग्रुप है जो क्या होंगे ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज, ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे, पहले एल्डिहाइड, पहले क्या बनेगा CHO, तथा फिर या बाद में COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा कि इनका ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीकरण होगा। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑक्सीकारक के रूप में कौन कौन से एसिड्स आप यहाँ पर, सॉरी कौन कौन से कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ आता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तनु या क्या है डाइल्यूट, ठीक है, HNO3 से ऑक्सीकरण, कराने पर क्या होगा ग्लाइकोलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड तथा ऑक्जेलिक एसिड, अम्ल बनते हैं, ठीक है।
और ये उत्पाद किस तरह से है तो अपना बाय रिएक्शन अब इसको बताते हैं। तो फर्स्ट जो अपने इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड से कर रहे हैं, CH2 CH2 OH OH, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन प्रेजेंस क्या है यहाँ पर, HNO3 की है, तो क्या बनेगा, ग्लाइकोल एल्डिहाइड बन जाएगा भाई। एक OH समूह का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा CHO और CH2 OH, क्या बन गया, ग्लाइकोल एल्डिहाइड, ठीक है। अब इस ग्लाइकोल एल्डिहाइड का क्या करेंगे, आगे ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिक अम्ल। ठीक है, अब क्या है कि जो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लाइऑक्सेल यानी कि इससे ऑक्सैलिक अम्ल का भी फॉर्मेशन होगा। एक तो क्या है कि स्टेप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसका आगे ऑक्सीडेंट किया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सेल CHO और CHO, क्या बन जाएगा, ये ग्लाई ऑक्सेल, ठीक है। अब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन आगे करेंगे फिर से तो क्या बन जाएगा, ग्लाई ऑक्सिक अम्ल बन जाएगा COOH और CHO, ठीक है, क्या बन गया, ये ग्लाई ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। और इसका ग्लाइकोलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी क्या बनेगा, ग्लाई ऑक्सैलिक अम्ल ही बनेगा। अब क्या होता है कि जो ग्लाई ऑक्सैलिक अम्ल है इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड COOH और COOH, क्या बन गया, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या है कि नाइट्रिक अम्ल से जब अपन क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि ऑक्सीडेंट के रूप में नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे तो लास्ट उत्पाद क्या मिलेगा अपने को, ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण युक्त विघटन, तो इसमें आपको नेक्स्ट डे बताएंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू।